Assalamualaikum everyone, I am engineer Isa Khan Jadoon and you are watching Golden Sand Engineering Services YouTube channel. आज हम एक नए डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक की. अक्सर मुझे इनबॉक्स में रिक्वेस्ट आती है कि आप जनाब इस पे वीडियो बनाएं कि हम जब दीवारों का या घर की प्लास्टरिंग करते हैं, जिसे हम प्लस्तर कहते हैं, प्लस्तर करते हैं या प्लास्टरिंग करते हैं, उसके लिए हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालें. सो एक छोटा सा डेमो आज मैं आपको देने लगा हूँ. आप वीडियो को एंड तक देखिएगा. उसके तीन चार छोटे छोटे माइनर से स्टेप्स हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. और आप इंशाल्लाह एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके लिए ये देखने के बाद बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से किसी भी दीवार के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, आप सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे. सो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं. हमारे सामने यहाँ पर एक वॉल मैंने बना कर रखी हुई है जिसकी डायमेंशंस लेंथ और वेथ या लेंथ और हाइट आप कह लें, वो 10 मीटर बाय 10 मीटर की एक वॉल मैंने यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे शो करवाई हुई है. उसकी डायमेंशंस फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10 मीटर लेंथ और 10 मीटर हाइट या उसकी 10 मीटर आप वेथ कह लें. तो सबसे पहले जो स्टेप होगा हमारा वो होगा जी एरिया ऑफ प्लास्टर. वो बहुत ईजी है, 10 क्रॉस 10. जितना हमारा वॉल की डायमेंशन है हम उसे लेंथ क्रॉस विथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ प्लास्टर निकल के आ गया. मतलब इतने एरिया पे प्लास्टरिंग होनी है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी थिकनेस ऑफ प्लास्टर. मैं साथ उसको नीचे हाईलाइट भी कर रहा हूँ. अब थिकनेस ऑफ प्लास्टर को आप देख लीजिए. आप लोगों ने डिसाइड करना है क्योंकि हमारे पास प्लास्टर की जो थिकनेस है वो समटाइम वेरी कर रही होती है. कुछ लोग 12 mm का भी लगाते हैं, 13 mm का भी लगाते हैं, 14, 15 या अप टू 16 mm तक. जहाँ मैंने स्टैंडर्ड लिया हुआ एक एवरेज लीव किया जी, जो हमारी जो मेरी प्लास्टरिंग की थिकनेस होगी वो है 12 mm होगी. और 12 mm को मीटर में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ अबाउट 0.012 मीटर. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हम वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर फाइंड करेंगे. तो जब भी हम इस चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसके पास तो उसका हमारे पास फार्मूला ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस और हाइट. सो हमारे पास वॉल्यूम हम प्लास्टर कैसे फाइंड करेंगे, पहले वॉल की डायमेंशन ले लें जो ऊपर हमने ली थी 10 क्रॉस 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.012. क्योंकि वॉल की डायमेंशन मीटर में गिवन थी इसलिए हमने थिकनेस ऑफ प्लास्टर को भी यहाँ से मिलीमीटर में कन्वर्ट करके मीटर में लिखना है. सो 10 क्रॉस 10 क्रॉस 0.012 इज इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब. बट याद रखें जो ये वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया है दैट इज़ अ वेट वॉल्यूम. ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है मतलब पानी समेत, क्योंकि जब भी हम इसका प्लास्टरिंग का जो हम वो बनाते हैं तो उसमें पानी भी ऐड होता है, सीमेंट भी ऐड होता है और सैंड भी ऐड होती है. सो ये वेट वॉल्यूम का हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ चुका है. लेकिन नेक्स्ट स्टेप आप देखें, लिखा हुआ है 20% एक्स्ट्रा ड्राई वॉल्यूम फॉर वॉइड्स एंड फिलिंग्स एटसेट्रा. क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं 20% में, या तो हमारे पास बाजू का थोड़ी बहुत वेस्टेज हो जाती है, या सेकेंडली जब हम दीवार की या वॉल की प्लास्टरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसमें कोई वॉइड्स आ जाते हैं, कोई फिलिंग्स आ जाती हैं, जो गैप्स आ जाते हैं हमें उनको भी फिल करना पड़ता है. सो हम 20% एक्स्ट्रा ले लेते हैं. अगर आप 1.2 मीटर क्यूब का 20% लें तो वो निकल के आएगा 1.44 मीटर क्यूब, जिसे मैंने ये बॉक्स में हाईलाइट कर दिया. मतलब अभी हमारे पास जो टोटल वेट वॉल्यूम आ गया है दैट इज़ अबाउट 1.44 मीटर क्यूब. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. अभी हमने तो वेट वॉल्यूम निकाला है, अब हम इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे. क्योंकि पहले तो हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सैंड और सीमेंट की कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है. सो ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर का जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है दैट इज वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.35. 1.35 यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है. आपका जो भी वेट वॉल्यूम आएगा आप उसे 1.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा. सो मल्टीप्लाई करते हैं, 1.44 मल्टीप्लाई बाय 1.35 इज इक्वल टू 1.944 मीटर क्यूब. सो हमारे पास जो फाइनल ड्राई वॉल्यूम निकल के आ गया है वो है, जिसे मैं यहाँ पे बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, वो है जी 1.944 मीटर क्यूब. अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने गौर से सुनना है. वो है जी रेशो ऑफ सीमेंट टू सैंड, कि हमने कितनी रेशो रखनी है. अब प्लास्टरिंग का मैं एक फार्मूला आपको बता दूं रेशो के हवाले से, 1/3 भी रखते हैं, 1/4 भी रखते हैं, 1/5 अप टू 1/6. मतलब ये है 1/6 का कि 1 part ऑफ सीमेंट एंड 4 parts ऑफ सैंड. मतलब या यूं कह ले 1 kg ऑफ सीमेंट देन 4 kg ऑफ सैंड. सो 1:4 मैंने यहाँ पे रखी है. आप अपने हिसाब से देख लें, आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसे 1/5 रखते हैं या 1/6 रखते हैं. यूजली 1/4 हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स में.
ये होगी जी रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड। अब बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोग मैट्रिक एफएससी में पढ़ते हैं, उससे पहले पढ़ चुके होते हैं, उसको अप्लाई करेंगे सम ऑफ रेशियोज के थ्रू। सीमेंट की क्वांटिटी पहले हम फाइंड करेंगे, सीमेंट का पार्ट हमारे पास वन पार्ट है, सो वन अपॉन फाइव, फाइव कहाँ से आया, वन प्लस फोर सम ऑफ रेशियोज, वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम जो हमारे पास निकल के आया था, दिस वन दिस वन दिस वन, 1.944, वन बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय 1.944 is equal to 0.388 meter cube. ये क्यूबिक मीटर में सीमेंट निकल के आ गया। लेकिन सीमेंट या तो हमारे पास केजीज में होता है या हमारे पास बैग्स में होता है, और एक बैग जो सीमेंट होता है वो 50 केजी का होता है यूजुअली पाकिस्तान इंडिया में, तो मोस्टली यही होता है, और आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड भी वन बैग ऑफ सीमेंट दैट इज अबाउट 50 केजीज। अच्छा, ये मीटर क्यूब में आ गया हमारे पास। अब हमने इस मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है केजीज में, तो जो आंसर निकल के आया है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1440 से। अब 1440 इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ओके, ये अपने पास नोट कर लें, 1440 हमारे पास डेंसिटी ऑफ सीमेंट है। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट की जो क्वांटिटी आई थी क्यूबिक मीटर में, हमारे पास आंसर आ जाएगा केजीज में 588.72 केजीज। बट हमें तो चाहिए नंबर ऑफ बैग्स के, यार हमें बताओ सिंपल के कितने मेरी सीमेंट के जो बैग्स लगेंगे। सो 588.72 को आप डिवाइड कर देंगे 50 से, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 11.17 बैग्स ऑफ सीमेंट सिंपल, या आपसे अप्रॉक्सीमेटली 11.2 भी आप कह लें या सिंपल 11 कह लें, ठीक है। जो हमारे पास अगर दीवार का साइज 10 मीटर बाय 10 मीटर का होगा, सो उसमें हमें जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है प्लास्टरिंग के लिए 1:4 की रेशियो के साथ, वो होगी 12 बैग्स ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट पार्ट आते हैं जनाब सैंड की तरफ, लास्ट स्टेप है, एंड तक जरूर देखें। सैंड की जो रेशियो हमारे पास थी वो थी 4, सो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1.944 दैट इज अवर ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.555 मीटर क्यूब। अब हमारे पास मार्केट में जब हम सैंड परचेज करने जाते हैं तो वो हमें क्यूबिक फीट में समटाइम्स दे रहे होते हैं, सो हम अपनी आसानी के लिए मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर देते हैं जनाब क्यूबिक फीट में। सो जो आंसर आया हुआ है 1.555 उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35.3147 इज इक्वल टू 54.91 क्यूबिक फीट। सो हमारे पास, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास 10 मीटर बाई 10 मीटर की एक वॉल है और रेशियो हम लोगों ने 1:4 रखी है, इसी प्रोसेस से हम पहले इसका वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकालेंगे, वेट वॉल्यूम होगा, वेट को ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए 1.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वेट वॉल्यूम आ गया, उसे हमने एक बॉक्स में पैक कर देना ताकि हमें याद रहे। हमने अपनी रेशियो डिसाइड करनी है, रेशियो के थ्रू आप पहले सीमेंट की क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, और सीमेंट की क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में अगर आ रही है तो आप उसे 1440 से मल्टीप्लाई कर केजीज में कर लें, केजीज को बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए 50 से डिवाइड कर लें। नेक्स्ट पार्ट सैंड का होता है, सैंड के लिए आप वही फार्मूला यूज़ करें, 4/5 मल्टीप्लाई बाय जो आपका ड्राई वॉल्यूम आया हुआ है वो, और फिर क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें 35.3147 से, आपके पास क्यूबिक फीट में सैंड की क्वांटिटी आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और गोल्डन सैंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ आप जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको इस तरह के मजीद बड़े मुफीद और फायदेमंद डेमोज आपको मिलेंगे। और अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर नीचे आ रहे होंगे, आप हमसे जरूर रब्ता कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।